हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो लोग मुझे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू कम हेयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? क्या वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं या वो किस तरह की एनर्जीज में अभी फ़िलहाल हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस तरह की एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जीज इस वाइन मुझे दिखाएं क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इनके लिए। या डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो क्या सोच रहे हैं इस समय अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में? ओके, देखिए फ्रेंड्स, एनर्जीज अब काफ़ी शिफ्ट हो रही हैं। जैसे कि आपके जो पर्सन हैं या डिवाइन मास्कुलाइन जो हैं वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, और ये डिवाइन के द्वारा दी गई गाइडेंस के अनुसार ये आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ को ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये मेहनत कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा, ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही कि आप जानते हैं, मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि आपके जो डिवाइन मास्कुलाइन हैं उनकी जो है चक्रास हीलिंग हुई है। सो वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं और वो क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनका जो ध्यान है अभी अपने काम पर पूरी तरीके से ये फोकस है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अपने काम में फोकस रहें। और यहाँ पर ये आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को, और इनको लग रहा है कि आप भी अपने वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं पेंटिकल्स देख रही हूँ, इनको लग रहा है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस हैं और इस काम को आप पैशनेट तरीके से कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रही हैं, क्योंकि आपको देख कर ये भी अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये भी आपकी तरह जो है सक्सेसफुल बन सकें, ठीक है। क्योंकि अभी धीरे धीरे इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये पॉजिटिव हो रहे हैं। सो एनर्जीज आर वेरी गुड। और जहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपको मिलने के लिए आना चाहते हैं, पर फ्रेंड्स आप ये जो एनर्जीज हैं, ये जो एनर्जीज आप देख रहे हैं, ये वाली एनर्जीज जो देख रहे हैं ये चेंज हो चुकी है। ये वो पहले वाली एनर्जी नहीं है जो एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी हुआ करती थी पहले के टाइम पर। जब हम रीडिंग लेते थे तो अक्सर इसी तरह की जो सॉरी प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज, जो एक रेड कलर का घोड़ा जो होता था, वो हॉर्स जो होता था वो आता था। लेकिन ये एक एनर्जी जो ऐसी है कि ये बहुत ही सीरियस एनर्जी है, बहुत ही सीरियस तरीके से आपके पास आना चाहते हैं मिलने के लिए, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर बाय चांस ये किसी और ऑप्शंस को देखते भी हैं तो इनका ध्यान आप पर ही रहता है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये सोशल मीडिया से वॉच आउट करते रहते हैं हमेशा, ये कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे ढूंढते रहते हैं। ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर अभी क्या चल रहा है, किस तरह की एक्टिविटी में आप जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ डिवाइन फेमिनाइंस आर मोर बिजी इन देयर वर्क, दे डोंट फोकस ऑन डीएम। वो डीएम की तरफ, वो डिवाइन मास्कुलिन की तरफ अभी फोकस नहीं है, वो अपने काम में फोकस है और वो पीस में है, काफ़ी ज़्यादा पीस में है। और आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अपनी यिंग यांग एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, अपने अंदर की जो एनर्जीज है उसको बैलेंस करते हुए ये इस लाइफ की कमांड जो है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं और चीज़ों को सही तरीके से करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, 10 ऑफ कप, हैप्पी फैमिली, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ डिवाइन टाइम है,
इसीलिए चीज़ें जो हैं अभी वो स्टॉप हो गई हैं। ये चाहते हैं कि, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी ईगो में हैं, कुछ लोग जो हैं डिवाइन मास्कुलाइन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईगो में अभी भी हैं, तो उनकी चीज़ों को स्टॉप कर दिया गया है। और जो डिवाइन मास्कुलाइन्स अपने आप को हील कर रहे हैं वो चाहते हैं कि यदि कार्मिक्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कार्मिक्स भी हैं, क्योंकि अगर कार्मिक्स कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको ये फील हो रहा है कि डिवाइन मास जो फेमिनाइन है वो उनके साथ, उनका इमोशंस बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ से इमोशंस हैं, और वो कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर वो विक्ट्री चाहते हैं, वो इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि यदि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो, या फिर उनके अंदर ये फियर भी हो रहा है कि कहीं मेरी डिवाइन फेमिनाइन मुझे छोड़ के तो नहीं जाने वाली है, ये फियर भी इनके अंदर आ रहा है। इसीलिए ये जल्दी से जल्दी अपने काम में जो फोकस हो रखे हैं वहाँ पे थोड़ा सक्सेसफुल हो के ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। द फूल मीन्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हम कुछ और कार्ड्स लेंगे कि हमारी जो ये कलेक्टिव एनर्जी है इसमें हमारे मैस्कुलाइन जो हैं वो किस तरह की एनर्जीज में हैं। इस डिवाइन में जो दिखाएं मैस्कुलाइन, ओके फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों की लाइफ में काफ़ी टावर आ रखा है, काफ़ी ज़्यादा एक क्या बोलूँ, अर्थक्वेक जैसा माहौल हो रखा है। बहुत सारी चीज़ें इनको सही करनी है, बहुत सारी चीज़ों में इनको बैलेंस लेके आना है। यहाँ इंटेंसिटी है, यानी कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, ये इनसे जो है अब वेट नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी इनको गिल्ट भी है, इन्होंने आपके साथ जो भी बिहेवियर किया या किसी दूसरे के साथ जो भी बिहेवियर किया उसके लिए इनको गिल्ट हो रहा है, और इन्हें पता है कि दे आर राइट नाउ फेसिंग देयर कर्मा, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। इनको पता है, इसीलिए इन लोगों ने सरेंडर कर रखा है और ये डिवाइन की बात अब सुन रहे हैं, जो डिवाइन इनको मैसेज दे रहे हैं वो ये सुन रहे हैं। और अब ये किसी भी मास्क में नहीं रहना चाहते, ये अपनी रियल साइड को शो करना चाहते हैं, जो कि ये पहले नहीं करते थे, और अब इनकी यिंग यांग एनर्जीज जो हैं उसमें बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर चीज़ों में भी बैलेंस आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ लव के अंदर हैं अभी, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन से दे आर इन अ सेल्फ लव, लेकिन ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन से अभी मिल नहीं पा रहे हैं, तो इनको आउटसाइडर सा फील हो रहा है। अपने घर के अंदर शायद ये जो है बहुत ही अलग अलग सा महसूस करते हैं, इनको खुशी जो है वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ मिलती है। ये पहले सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, लेकिन अब ये जो है ये डिवाइन की लाइट में रहते हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, डिवाइन फेमिनाइन हो या कोई और व्यक्ति हो, लेकिन अभी ये डिवाइन की लाइट की तरफ हैं। ये जो है एक स्पिरिचुअल लाइफ में अपनी आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने काम में भी ये आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड एनर्जीज। और ये जो है मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, ये पूरी तरह से पीस में है, जो डिवाइन मास्कुलाइन है। फ्रेंड्स, मैं ये उनकी बात कर रही हूँ जो कि अपने आप पर काम कर रहे हैं, और पहले ये दूसरों की बात को ज़्यादा सुनते थे, लेकिन अभी इनकी इंट्यूशन पावर जो है वो तेज़ हो रही है, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये अपनी इनर वॉइस की सुनते हैं, और ये बियॉन्ड द इल्यूज़न, यानी कि किसी के कहने पर नहीं आते हैं जब तक कि इनको कोई सच ना पता चले कि इस चीज़ के पीछे क्या राज है। जब तक कि इनको पूरी तरीके से इस बात का एहसास ना हो जाए तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो हमारे डिवाइन मास्कुलिन थे, पहले ये माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे, लेकिन अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये कोई माइंड गेम नहीं खेलना चाहते, ये चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए सिचुएशन में। तो ये भी बहुत ही बढ़िया एनर्जी है फ्रेंड्स। सो अभी हम देखते हैं कि अभी हम कुछ पर्सनल कार्ड से देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं आपके साथ, किस तरह की एनर्जीज हैं। तो चलिए पर्सनल कार्ड्स की तरफ चलते हैं। या फ्रेंड्स, सो मैंने यहाँ पर कार्ड्स लिए हैं, कुछ पर्सनल कार्ड्स जो हैं मेरे बनाए हुए। सो उनमें से हम देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज अभी आ रही हैं। ठीक है, ये आप लोगों से सेकंड चांस चाहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग हो रही है, और ये आपको काफ़ी केयरिंग समझते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग टाइप की जो है फेमिनाइन है, फीमेल हैं। वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड मोर फोकस ऑन फ्रेंडशिप। सो वो यहाँ पर जो है डिवाइन फेमिनाइंस, आप इन लोगों के लिए बहुत ही एक मिस्टीरियस टाइप की रही हैं, तो ये आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यस ट्विन फ्लेम इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आई ऑन यू, ये आपको सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत चेकआउट करते रहते हैं कि आप क्या कर रही हैं, आप किस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करी, कोई आपकी लाइफ में आ तो नहीं गया। इनको ये भी फियर रहता है। गो विद द फ्लो अभी ये चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है अब कि ये एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, इनको ये भी पता चल गया है। और ये अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, एंड प्लीज़ टू मीट यू। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, और न्यू बिगनिंग भी है, बहुत सारे लोगों की न्यू बिगनिंग भी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये कुछ पर्सनल कार्ड्स थे, और कुछ ब्लेसिंग्स कार्ड हैं मेरे पास, वो भी देखते हैं ज़रा। इनसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाया जाएगा। ये बी जो होती है, जैसे कि आपको मालूम है, जब शहद के लिए ये जगह जगह जाके पेड़ों से वो शहद इकट्ठा करती है, बहुत मेहनत करती है, ठीक वैसे ही ये आपसे मिलना चाहते हैं। लेट्स ट्रेवल आपको बोल रहे हैं, और ये यहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अभी वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों लाइफ में जगलिंग कर रहे हैं, या किसी के पास दो ऑप्शंस हैं, या किसी के पास दो सिचुएशंस हैं, तो यहाँ पर जगलिंग तो हो ही रही है। और यहाँ पर मैं द सन देख रही हूँ, क्योंकि ये अपनी शेडो साइड पे काम कर रहे हैं, सो इसीलिए यहाँ पर सन है, और इनकी जो है न्यू लाइफ जो है वो बिगिन हो रही है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एंड ब्लेसिंग्स कार्ड्स मैं इनको बोलती हूँ, ये भी मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। सो फ्रेंड्स ये थी जो है हमारी रीडिंग। अभी हम कुछ और भी देखना चाहेंगे। यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए क्या कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं। इनिशियल्स को हम चेक करेंगे, देन हम एंजल कार्ड लेंगे, देखते हैं क्या इनिशियल्स आ रहे हैं। ओके, कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ नंबर्स हो सकते हैं, या फिर हमारे ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा आए हैं। W है यहाँ पर, B हो सकता है, या फिर या B है। उसके बाद यहाँ पर 5 है, किसी का बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे, उनका बर्थडे। V है, V फॉर विक्ट्री। सो यहाँ D भी है, D हो सकता है, H हो सकता है, और F नाम हो सकता है किसी का, L हो सकता है, या M हो सकता है, या S हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये थे कुछ इनिशियल्स, इससे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारी एंजल जो है वो क्या मैसेज दे रही हैं। कलेक्टिव रीडिंग प्लीज डिवाइन, मुझे दिखाएं किस तरह का एंजल मैसेज आ रहा है सभी के लिए, कलेक्टिवली जनरल रीडिंग। ओके, एक और फ्रेंडशिप। या सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो कार्ड्स लिए हैं,
डिवाइन मैस्कुलाइन को बोला जा रहा है कि आप फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ें, आपको भी बोला जा रहा है डिवाइन फेमिनाइन कि आप फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ें, ठीक है, और प्योर इंटेंशन रखें, अपने इस कनेक्शन में प्योर इंटेंशन आपको डालनी है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है दोनों ही, और बहुत कुछ कह रहे हैं अपने आप में ही। सो यहाँ फ्रेंडशिप रखनी है और प्योर इंटेंशन रखनी है दोनों को ही, क्योंकि एंड में तो रीयूनाइट होना ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ पर एक एंजल नंबर आपको देना चाहूँगी ये डाइस से, सो देखते हैं क्या नंबर है। सो यहाँ पर नंबर जो आया है वो आया है 4, 1 एंड 2। सो फ्रेंड्स आप जो हैं इस नंबर को गूगल कीजिए और देखिए जाके कि आपको क्या मैसेज मिलता है एंजल्स का। सो ये थी मेरी रीडिंग, कलेक्टिवली रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।